कि दो बंदे आए हैं बाइक पे एंड उन लोगों ने बाइक तोड़ी। गाड़ी में अलग ही मजा है, बट बाइक पे जो मजा है ना वो गाड़ी में नहीं। बाइक तोड़ेंगे नए भी ला सकते हैं। आप क्या बोलना चाहोगे? गाड़ी में क्या ही बोलूं, क्या सीन हो रहे हैं। किसी ने बाइक मेरी तोड़ दी। मेरे साथ मेरे कजन जुड़ चुके हैं आज, देखेंगे क्या कुछ रहता है रास्ते में। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अंदरूनी फ्रेश ब्लॉग। उम्मीद करते हैं ऑल आर डूइंग वेल, आप सभी लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आज मैं डायरेक्ट गाड़ी में व्लॉग शूट कर रहा हूँ। अचानक से प्लान बना कहीं जाने का, तो मेरे साथ मेरे कज़न जुड़ चुके हैं आज। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे। तो पहले हमें जाना है पेट्रोल पम्प पे, पेट्रोल डालते हैं, उसके बाद मे भी कहीं जाएंगे घूमने के लिए। तो जाते हैं पहले पेट्रोल पम्प पे, पेट्रोल डालते हैं, देखेंगे क्या कुछ रहता है रास्ते में। आप व्लॉग में बने रहो। तो बरसों से मेरे साथ बहुत गंदे सीन हो रहे हैं, क्या ही बोलूँ, क्या सीन हो रहे हैं। किसी ने बाइक मेरी तोड़ दी। चलो जिसने भी किया अच्छा किया, कोई सीन नहीं। बाइक तोड़ेंगे नए भी ला सकते हैं, बट ये मुझे पता चलना चाहिए किसने तोड़ी है मेरी बाइक। तो फिलहाल हम पहुंचे कुछ इस तरह की जगह पे, लुक एट द व्यू। आज क्लाउडी मौसम है, शायद से बारिश होगी। अगर बारिश भी होगी तो बचेंगे, क्योंकि गाड़ी साथ है, आज बाइक पे नहीं है। तो चलते हैं, अभी तक कुछ प्लान ही नहीं है क्या करेंगे, तो लेट्स सी, देखते हैं। अभी हम अनंतनाग पहुँचने वाले हैं, अभी हम पहुँचे हैं मोमिनाबाद। तो लेट्स सी, देखते हैं फिर कहाँ जाएंगे, क्या कुछ करेंगे, एंड भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है, कुछ खाएंगे भी रास्ते में। चलो मिलते हैं, पहुँचते हैं फिलहाल कहीं पे। लाल मंडी पहुँच, अभी हमें पहले लाल चौक जाना है एंड उसके बाद देखेंगे कहाँ का प्लान बनेगा, कहाँ जाएंगे। गाड़ी में अलग ही मज़ा है, बट बाइक पे जो मज़ा है ना वो गाड़ी में नहीं है, बट जो गाड़ी में मज़ा है वो बाइक पे नहीं है। अरे भाई, आप क्या बोलना चाहोगे? गाड़ी में गर्मी है। गाड़ी में गर्मी है, बट आप क्या बोलना चाहोगे आज की ट्रिप के बारे में? क्या बोलेंगे हम, देखते हैं कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे संभल के चलना पड़ता है, देखो अचानक से रास्ते में कोई भी आता है, तो यहाँ पे इसलिए संभल के चलना पड़ रहा है। तो फिलहाल हम पहुँच चुके हैं लाल चौक पे, यहाँ पे घंटाघर का काम चल रहा है, एक नंबर दबा के देखो बाइक वाला कहाँ से आ रहा है। वेट करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई, कज़न को फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। उसने बोला था मैं कुछ लाता हूँ खाने पीने के लिए, अभी तक वो आ ही नहीं रहा है, एक डेढ़ घंटा हो गया उसको। चलो देखते हैं कब तक आता है, उसके बाद कहाँ का प्लान बनेगा। बोलूँ परसों मेरी बाइक किसी ने तोड़ी, मैं घर में बैठा हुआ था, मैं नहा रहा था, तो बाहर मैंने बाइक रखी, और मैंने बाहर बाइक रखी थी, दो बंदे आए बाइक पर एंड उन लोगों ने बाइक तोड़ दी। मैं आपको वो फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, जिसने भी किया अच्छा किया, तो कोई सीन नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जिसको तोड़ने है तोड़ने, तो जिसको जो करना है करने, तो आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज जो एक बाइक तोड़ेंगे, कल को हम दूसरी बाइक ला सकते हैं। फिलहाल देखते हैं कज़न कब तक आते हैं, उसके बाद क्या प्लान बनेगा, कहाँ जाएंगे, आप व्लॉग में बने रहो। कज़न को मैंने छोड़ा लाल चौक में, लाल चौक से वो पहुँच चुका है सरना, वो शॉपिंग करने में व्यस्त है। हम लोग फिर सीधे रेस्टोरेंट आ गए। पेट्रोल रिफिल। तो फिलहाल हम पहुंचे कुछ इस तरह की जगह, बादशाह बाग हम पहुंच गए फिलहाल, एंड अभी हम पता नहीं कहां जा रहे हैं। चलो देखते हैं रास्ते में क्या कुछ रहता है, तो आप व्लॉग में बने रहो, मिलते हैं आपसे। पेट्रोल फूंक रहे हैं बेवजह में, देखते हैं क्या कुछ करते हैं। यहाँ पे ना एक नंबर रोड है, बट मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है गाड़ी चलाने में। रेस्टोरेंट गई, वहाँ पे बिरयानी खाई, उसमें भी मज़ा नहीं था, तब से दोनों के पेट में पता नहीं क्या हो रहा है। डिसाइड किया था अहरबल जाएंगे, बट पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि काम भी पड़ा था थोड़ा सा, तो इसलिए अहरबल नहीं जा पाए। तो अभी हम लोग पहुँचे कुछ इस तरह की जगह पर, लुक एट द क्लाउडी मौसम। तो यहाँ पर एक नंबर व्यू है, रोड भी देखो क्या है, पहाड़ देखो कितने खूबसूरत है। अभी हम लोग वापस से केपी रोड पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ पे थोड़ा सा काम है, उसके बाद निकलते हैं घर के लिए, बहुत ज़्यादा थक गया। आज व्लॉग नहीं बनाता, बट सोचा क्यों ना एक व्लॉग भी बना लूँ, आज घूम ही जाना है तो व्लॉग भी बना लूँ। कज़न मेरा ना चुप हो गया, क्योंकि बेचारा बहुत ज़्यादा थक गया। अरे भाई क्या हुआ? थक गए यार बहुत, ऊपर से इतनी गर्मी।
लाल चौक फिर से पहुंच गए। अभी हमें एक शॉप पे जाना है, वहाँ से दुकान के लिए कज़न को सामान आना। अल्हम्दुलिल्लाह डानवी दोस्त, देख सकते हो गाड़ी में कितना सारा सामान है। तो सामान लिया हम लोगों ने, अभी हम जाते हैं घर। तो गाड़ी का पोल्यूशन भी हमें कराना है क्योंकि पोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। सोचा था हम जाएंगे अहरवल, अहरवल नहीं जा पाए, बट कहीं और गए ऐसी पेट्रोल फूंकने के लिए। देख सकते हो कितना सारा सामान इसने अपनी शॉप के लिए लिया। तो अभी फ़िलहाल हमें जाना है गाड़ी का पोल्यूशन कराने के लिए क्योंकि पोल्यूशन ख़त्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा थक गए, ऊपर से इतना सारा सामान गाड़ी में डालना पड़ा। भाई क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या बोलना चाहूँगा यार, ये हमारे ठेकेदार साहब हैं, ख़त्म हो गए इसके हार्डवेयर की शॉप है बिंदु कुकरनाग में। तो जो भी आना चाहेगा आ सकते हो, विज़िट करो, सस्ती रेट में मिलेगा, डिस्काउंट भी देगा भाई। तो इसकी शॉप का नाम है हाईवे हार्डवेयर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर भी होगा, तो विज़िट करो। फिलहाल हम लोग जाते हैं कराते हैं पोल्यूशन गाड़ी का एंड उसके बाद सीधा घर। फिलहाल हम पहुँचे कुछ इस तरह की जगह पे, बगैर द ट्रैफिक। तो व्यू भी देखो कितना खूबसूरत है, सफ़ेद बादल, नीला आसमान। यहाँ पे करते हैं पहले गाड़ी का पोल्यूशन, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पोल्यूशन भी हो गया। तो आगे से देखो एक नंबर नज़ारा, लेट्स सी, देखते हैं कितना टाइम लगता है फिलहाल घर तक। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच चुका हूँ, मैंने चाय भी पी एंड चाय पी के मैं डायरेक्टली सो गया था। तो मैंने देखा कि वो व्लॉग की एंडिंग मैंने नहीं की, आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो पसंद आने के साथ साथ क्या करना है, वीडियो को जाकर लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बाय।